गृह मंत्री ने सीएए का विरोध कर रहे विपक्ष पर बोला हमला, बोले नागरिकता देने का है कानून, विरोध को बताया वोट पॉलिटिक्स। और इतनी ही चिंता है तो वो क्यों बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात नहीं करते, रोहिंग्यास का विरोध क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वो वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। सीए पर फैलाए जा रहे भ्रम पर गृह मंत्री अमित शाह की दो टूक, हर सवाल का दिया जवाब, बोले कानून रद्द करना असंभव। सीए के कानून को भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाई है, नरेंद्र मोदी सरकार लाई है, इसको रिपील करना असंभव है, हम पूरे देश को जागरूक करेंगे। दो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर पीएम अध्यक्षता में हुई बैठक, अधीर रंजन चौधरी भी हुए शामिल, बोले ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधु का हुआ चयन, आज शाम तक आ सकता है नोटिफिकेशन। न्यूज एजेंट इंडिया के मेगा ओपिनियन पोल में अब तक आई 242 सीटों में एनडीए को 174 सीटें मिलने का अनुमान, इंडी गठबंधन को 61 और अन्य के खाते में जा सकते हैं 7 सीट। महाकोश कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, चुनो सही। सीधा रुख इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ कर लेते हैं। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का यह पूरा मामला है जिस पर अधीर रंजन चौधरी इस प्रक्रिया से सहमत नजर नहीं आए हैं। जानकारी आप तक पहुंचा दें, अधीर रंजन चौधरी ने साफ तौर पर कहा कि जो प्रक्रिया यहां पर चयन के लिए अपनाई गई है मैं उससे सहमत नहीं हूं। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का ये पूरा मामला जिस पर पूरे देश की भी निगाहें टिकी हुई थी, बनी हुई थी, और ये इस वक्त की बड़ी खबर। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के मामले में अधीर रंजन चौधरी के मुताबिक ज्ञानेश कुमार और सुखवीर सिंह संधु चुनाव आयुक्त बनाए गए हैं। अधीर रंजन चौधरी ने हालांकि चयन समिति के वो सदस्य हैं, उनका बयान इस दौरान ये आया कि वो चयन से सहमत नहीं है। तो केरल के मिस्टर मोहेश बोलके और एक पंजाब के मिस्टर संधु बोलके, एक गणेश कुमार है और एक है मतलब बी संधु। चयन हुई एक तो केरल के मिस्टर मोहेश बोलके और एक पंजाब के मिस्टर संधु बोलके। देखिए कोई भी व्यक्ति कहीं भी पद पर बैठ सकते हैं, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं क्योंकि किसी के साथ हमारे तो कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन जो प्रोसीज्योरल जो लकुना है ये मुझे अच्छा नहीं लगा क्योंकि